दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। बिहार और बाढ़ ऐसा लगता है मानो पर्यायवाची। हमारे यहाँ यानी बिहार में यह कहा जाता है कि हमारा आधा हिस्सा बाढ़ से पीड़ित है, आधा हिस्सा सुखाड़ से पीड़ित है, और शायद इसीलिए विकास की बातें भी नहीं होती हैं। इस बार केंद्रीय बजट में 60,000 करोड़ रुपए तो दिए ही गए हैं बिहार को। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि केंद्रीय बजट में बिहार की बाढ़ का उल्लेख किया गया है। हालांकि बाढ़ के साथ रिलेटेड कई सारे मिथ हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे किसी भी बात पर यह कह दिया जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। मैं हूं व्यालोक और बिहार की बाढ़, सुखाड़, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश मिश्रा सर। बाढ़ और सुखाड़ मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बिहार सरकार की एडवाइजरी बोर्ड में भी रह चुके हैं कभी, और एक उपस्थिति माना जाता है इनको, खास तौर से बिहार के संदर्भ में अगर बाढ़ और सुखाड़ की बात करनी हो। हालांकि ये पूरे देश के मामलों पर बोलते हैं, नदियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पहली बार केंद्रीय बजट में बिहार की बाढ़ का उल्लेख हुआ है, पहले तो इस पर बताइए कि कैसा आप जैसे विशेषज्ञों को लग रहा है, इससे कोई परिवर्तन आएगा, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं, देखिए ये तो एक सुखद आश्चर्य है कि केंद्रीय बजट में इस पर चर्चा हुई है और इसमें एलोकेशन की भी बात हुई है, कितना पैसा दिया जाएगा, और उसमें खासकर ये कोसी को मेची नदी से लिंक करने की बातें सुनने में आती हैं। अब वो बजट भाषण तो मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप इसके बारे में बताइए। तो हमारा कहना यही था कि जो जिन नदियों की बात की जा रही है वो एक वाई शेप में, जैसे वाई का अक्षर होता है ना अंग्रेजी का, उस तरह की दो नदियां हैं, एक कोसी है एक तरफ और एक मेची है। तो कोसी से एक नहर निकाल करके मेची नदी में, यानी पूर्वी कोसी नहर है पहले से ही, उसका सुधार करेंगे और उसको पानी को मेची में डालेंगे, जिससे कि बाढ़ की समस्या का समाधान हो। और सवाल इस बात का है कि मैंने बताया क्योंकि वाई शेप का है जी, जो लिंक बनाएंगे यानी जो नहर बनाएंगे और जो नदी है मेची पहले से मौजूद है, तो इन दोनों के बीच में पानी इकट्ठा होगा। ऊपर से अगर पानी आता है, जिसको कि नेपाल का पानी कहते हैं, मैं उसे हिमालय का पानी कहता हूँ क्योंकि बाउंड्री तो हमारी खींची हुई है, प्रकृति ने जो दिया था वो ऊपर हिमालय दिया और हमारे यहाँ प्लेन लैंड बना। तो उस नहर में और मेची नदी के बीच में मुझे लगता है कि हमको जो जल जमाव होगा उसकी अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो कुछ भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसमें इसका इंतजाम ज़रूर कर लिया गया। इसके साथ एक बात और है कि अगर हम कोसी के पानी को मेची में डालते हैं ताकि कोसी क्षेत्र के ये समस्या का समाधान हो जाए और वो लिंक जो कैनाल अपना काम करती है, ये मान करके चला जाता है कि जब कोसी में ऐसी मेरी समझ है कि ये कोसी में जब पानी होगा तो मेची में बहुत कम पानी होगा कि उसमें डाल दें नहर के माध्यम से उस पानी को। अगर ये दोनों नदियां एक साथ उफान पर आ जाएं तो जिस नहर से हम पानी मेची में ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो तो मेची लेने वाली नहीं है उस पानी को, और न ये इनको देना चाहिए। और इसलिए भी हम कहते हैं कि जो कोसी नहर है जो कि 60 के दशक में बनी है, उस नहर में अक्सर दरार पड़ा करती है, एक बात, और दूसरी बात उसमें बेतरह बालू जमाव होता है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ 2 बार उस नहर का पुनर्धारण करना पड़ा है, बालू निकालनी पड़ी है उसकी। तो आज जितना पानी उस नहर की क्षमता है, आज से 10 साल 15 साल बाद वो फिर बालू जमा होगा और 20 साल बाद, और उसको हमेशा टिप टॉप रखना पड़ेगा। एक समस्या उस नहर के साथ है। दूसरी समस्या ये है कि वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती है नहर, और जो ज़मीन का ज़मीन का जो ढलान है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, और ये नहर हमेशा पानी के रास्ते में रुकावट बनती है, और कई बार यानी अक्सर देखा जाता है कि ये नहर उस पानी के दबाव से जो कि उत्तर की तरफ से आता है टूट जाती है। कभी कभी
वो जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं अगर उस जमा हुए पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उस नहर को काट दिया करते हैं। मतलब ये एक स्थापित सत्य है जी। तो अगर नहर अपने से टूट जाए या लोग काट दें तो इस जोड़ का कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और कि जो भी योजना बनी है उसमें इस चीज का संज्ञान जरूर लिया गया होगा इन दो बातों का। एक एक अक्सर ये जुमला हम लोग सुनते हैं, मतलब खासतौर से मैं चूंकि उत्तर बिहार में रहता हूँ, मिथिलांचल में रहता हूँ, नेपाल बहुत सटा हुआ है, कोसी भी हमसे बहुत दूर नहीं है, तो अक्सर मेरे सुनने में आता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया, नेपाल ने पानी छोड़ दिया। आपसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि ये एक किस्म का फ्रॉड है, एक किस्म की चाल है, इस पर थोड़ा बताएं हमें कि ये मतलब मामला क्या है और ये क्यों हम लोग ऐसा लगातार एक भ्रम बनाए हुए हैं, नेपाल पानी छोड़ दे रहा है, नेपाल पानी छोड़ दे रहा है। नहीं देखिए, इस मिथ पर दावा सिर्फ मिथिला का ही नहीं है जी, पूरे बाढ़ क्षेत्र का है जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है जी। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार बनारस से अपने गांव आजमगढ़ में जा रहा था और वो जो सड़क है उसके ऊपर से पानी बह रहा था, बीच में रानी की सराय के आसपास एक जगह है वहाँ, तो बस में बैठा हुआ था तो एक आदमी चिल्लाता है कि अरे देखा हो यह नेपाली पानी वह था जो सड़क को पानी पार कर रहा है वो नेपाली पानी है। तो ये दावा मिथिला का अकेले का नहीं है, ये अवध का भी है कि दोनों तरफ से मतलब लोग ट्रेंड हैं कि जो कुछ भी समस्या वहाँ हो रही है वो नेपाल से आए हुए पानी से हो रही, बीच में बाउंड्री है हमारे भारत और नेपाल की जो कि डिफाइंड है, अच्छी तरह से डिफाइंड है और मुक्त है, तो ऊपर से जो पानी आएगा वो नीचे ही आएगा, हमारे यहाँ वो प्राकृतिक सेटिंग है तो वो पानी आएगा। लेकिन अब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को और राजनीतिज्ञों को ये माफिक आता है कि वो कह दें कि नेपाल का पानी है, तो जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि उस पानी से रक्षा करे लोगों की, उसको भी आसान पड़ता है, वो कह दें कि नेपाल का पानी है, हम क्या कर सकते हैं, और राजनीतिक लोगों को भी माफिक आता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा भ्रम स्थापित तौर पर फैलाया गया है, वो पानी पानी है, उसमें जो सीमा के पार से आता है वो उसमें भारत नेपाल का हिस्सा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हिमालय और गंगा का पानी है, ये नेपाल का पानी तो आएगा ही, वो तो ऊपर है हमसे, वो पानी तो आना ही है, और बाउंड्री पर तो पूरी जगह तो आपने दीवार नहीं खड़ी कर रखी है ना, आप लोगों ने कहीं कहीं बराज बना रखे हैं जिससे उस नदी में आने वाले पानी पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन बाकी सब तो खुला खेल है, इसलिए वो तो अब शरारत तो नहीं कहेंगे, वो एक बुरा शब्द है, लेकिन लोगों के जहन में बैठा दिया गया है कि अगर कुछ हो रहा है तो नेपाली पानी की वजह से हो रहा है। और नेपाल के भी हमारे मित्र हैं, वो लोग उस परेशानी से त्रस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी आ गया शारदा का, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पानी कैसे आ गया भाई, आप तो ऊपर हैं तो पानी कूद के जाएगा क्या आपके यहाँ, उल्टा तो नहीं बहेगा। तो उनको भी अगर कोई तकलीफ होती है कभी तो वो कहते हैं कि ये इंडिया का पानी वो भी भारत के ऊपर थोप देते हैं, भारत के ऊपर थोपते हैं, तो ये तो स्थानीय कहना चाहिए कि राजनीति का हिस्सा है, लेकिन नीचे से तो पानी की गति ऊपर नहीं होती है, बाहर नहीं होती है, आपने अब कौन समझाए। आपने एक बार ये भी कहा था, हालांकि वो अगले पॉडकास्ट में हमें बात करनी पड़ेगी, कि आपने एक बार ये भी कहा था कि बांध बनाने की जरूरत क्या है, और मिथिला की जो प्रकृति है या इस क्षेत्र की, उसमें नदियों के साथ रहना जीना सीख चुकी थी जनता और उसको जबरन डीट्रैक किया गया, अगर मैंने आपकी बातों को पहले की सही समझाया तो। नहीं देखिए, ये तो सच है, अंग्रेजों ने इसको पूरे क्षेत्र को बंगाल समेत कोशिश की थी कि इसको बाढ़ से मुक्त कर दिया जाए, और उसके पीछे उनका जो सोच था, जो विचार था उसमें था कि उन्होंने सिंचाई की जो व्यवस्था की थी अपने समय में, अपने अमल में, उसमें उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में ये घुसा कि जो बाढ़ वाला इलाका है
इसमें अगर बाढ़ नियंत्रण कर दें हम और सिंचाई की व्यवस्था कर दें तो ये डबल बेनिफिट देगा, दुगना फायदा देगा। जी। और उन्होंने कोशिशें की उसको नदियों के किनारे तटबंध बनाकर। और मिसाल के तौर पर हम लोग हमेशा दामोदर का जिक्र करते हैं। दामोदर बहुत ही उच्छृंखल नदी थी और उनको लगा कि इससे नहर निकाल लेंगे और बांध देंगे तो पानी नहीं फैलेगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग अलग से बात कर लें क्योंकि किस्सा लंबा है। जी जी जी, लेकिन संक्षेप में संक्षेप कह रहा था कि वो हम लोग अलग से बात करेंगे। बहरहाल आपने हमसे इतने विस्तार से बात की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिजी हैं हम जानते हैं और आप व्यस्त हैं, लेकिन आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बात करने के। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।